नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2009 में आई 29 फिल्मों के बारे में जो कमाई के हिसाब से पहले 30 स्थान में रही थी। तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखना और वीडियो को अभी से कर दो लाइक और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। साथ में दोस्तों एक कमेंट में जरूर बताना कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 30 पर रहने वाली फिल्म का नाम था शॉर्टकट। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय खन्ना, अर्शद वारसी, अमृता राव और चंकी पांडे लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 24 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 12.67 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। कमाई के हिसाब से शॉर्टकट साल 2009 में 30वें नंबर पर थी। नंबर 29 पर रहने वाली फिल्म का नाम था तुम मिले। इस फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान हाशमी, सोहा अली खान, विजय मंत्रा और सचिन खेड़ेकर लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 22 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 12.87 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। कमाई के हिसाब से तुम मिले साल 2009 में 29वें नंबर पर थी। नंबर 28 पर रहने वाली फिल्म का नाम था मैं और मिसेज खन्ना। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सलमान खान, करीना कपूर, सोहेल खान और दीपिका पादुकोणे लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 38 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 14.1 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। कमाई के हिसाब से मैं और मिसेज खन्ना साल 2009 में 28वें नंबर पर रही थी। नंबर 27 पर रहने वाली फिल्म का नाम था व्हाट इज योर राशि। इस फिल्म की स्टार कास्ट में हरमन बबेजा, प्रियंका चोपड़ा, दर्शन जरीवाला और दिलीप जोशी लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 32 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 16.53 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। कमाई के हिसाब से व्हाट इज योर राशि साल 2009 में 27वें नंबर पर थी। नंबर 26 पर रहने वाली फिल्म का नाम था लक बाय चांस। इस फिल्म की स्टार कास्ट में फरहान अख्तर, कोंकणा सेन शर्मा, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 20 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 20.46 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। कमाई के हिसाब से लक बाय चांस साल 2009 में 26वें नंबर पर थी। नंबर 25 पर रहने वाली फिल्म का नाम था 8x10 तस्वीर। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, आयशा टाकिया, शर्मिला टैगोर और जावेद जाफरी लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 35 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 22.19 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। कमाई के हिसाब से 8x10 तस्वीर साल 2009 में 25वें नंबर पर थी। नंबर 24 पर रहने वाली फिल्म का नाम था डू नॉट डिस्टर्ब। इस फिल्म की स्टार कास्ट में गोविंदा, रितेश देशमुख, लारा दत्ता और सुष्मिता सेन लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 30 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 26.56 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। कमाई के हिसाब से डू नॉट डिस्टर्ब साल 2009 में 24वें नंबर पर थी। नंबर 23 पर रहने वाली फिल्म का नाम था रॉकेट सिंह। इस फिल्म की स्टार कास्ट में रणबीर कपूर, डी संतोष, नवीन कौशिक और गौहर खान लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 16 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 27.67 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज थी। कमाई के हिसाब से रॉकेट सिंह साल 2009 में 23वें नंबर पर थी। नंबर 22 पर रहने वाली फिल्म का नाम था लाइफ पार्टनर। इस फिल्म की स्टार कास्ट में गोविंदा, फरदीन खान, तुषार कपूर और प्राची देसाई लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 25 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 31.25 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। कमाई के हिसाब से लाइफ पार्टनर साल 2009 में 22वें नंबर पर थी। नंबर 21 पर रहने वाली फिल्म का नाम था लक। इस फिल्म की स्टार कास्ट में संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, इमरान खान और श्रुति हसन लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 37 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 31.57 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। कमाई के हिसाब से लक साल 2009 में 21वें नंबर पर थी। नंबर 20 पर रहने वाली फिल्म का नाम था राज। इस फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान हाशमी, कंगना रनौत, अध्ययन सुमन और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 2.91 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 35.6 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमीट थी। कमाई के हिसाब से राज साल 2009 में 20वें नंबर पर थी। नंबर 19 पर रहने वाली फिल्म का नाम था लंदन ड्रीम्स। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सलमान खान, अजय देवगन, आसिन और रणविजय सिंह लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 50 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 43.73 करोड़ थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। कमाई के हिसाब से लंदन ड्रीम्स साल 2009 में 19वें नंबर पर थी। नंबर 18 पर रहने वाली फिल्म का नाम था दिल बोले हरीपा। इस फिल्म की स्टार कास्ट में
शाहिद कपूर, रानी मुखर्जी, अनुपम खेर और दिलीप ताहिर लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 28 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 44.49 करोड़ थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। कमाई के हिसाब से दिल भूले हड़िप्पा साल 2009 में 18वें नंबर पर थी। नंबर 17 पर रहने वाली फिल्म का नाम था बेकअप सिड। इस फिल्म की स्टार कास्ट में रणबीर कपूर, कोंकणा सेन शर्मा, अनुपम खेर और सुप्रिया पाठक लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 18 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 45 करोड़ की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट रही थी। कमाई के हिसाब से वेकअप सिड साल 2009 में 17वें नंबर पर थी। नंबर 16 पर रहने वाली फिल्म का नाम था पा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और अरुंधति नाग लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 17 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 45.15 करोड़ थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। कमाई के हिसाब से पा साल 2009 में 16वें नंबर पर थी। नंबर 15 पर रहने वाली फिल्म का नाम था बिल्लू वारवर। इस फिल्म की स्टार कास्ट में इरफान खान, लारा दत्ता, शाहरुख खान और ओमपुरी लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 27 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 45.24 करोड़ थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। कमाई के हिसाब से बिल्लू बारवर साल 2009 में 15वें नंबर पर थी। नंबर 14 पर रहने वाली फिल्म का नाम था कुर्बान। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सैफ अली खान, विवेक ओबराय, करीना कपूर और दिया मिर्जा लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 50 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 46.42 करोड़ थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। कमाई के हिसाब से कुर्बान साल 2009 में 14वें नंबर पर रही थी। नंबर 13 पर रहने वाली फिल्म का नाम था दिल्ली 6। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, ऋषि कपूर और महिदा रहमान लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 48 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 49.55 करोड़ थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। कमाई के हिसाब से दिल्ली 6 साल 2009 में 13वें नंबर पर रही थी। नंबर 12 पर रहने वाली फिल्म का नाम था चांदनी चौक टू चाइना। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोणे, मिथुन चक्रवर्ती और रणवीर शौर्य लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 62 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 53.44 करोड़ थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। कमाई के हिसाब से चांदनी चौक टू चाइना साल 2009 में 12वें नंबर पर रही थी। नंबर 11 पर रहने वाली फिल्म का नाम था ऑल द बेस्ट। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अजय देवगन, संजय दत्त, फरदीन खान और बिपाशा बासु लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 40 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 58.4 करोड़ थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। कमाई के हिसाब से ऑल द बेस्ट साल 2009 में 11वें नंबर पर थी। नंबर 10 पर रहने वाली फिल्म का नाम था ब्लू। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, संजय दत्त, जाहिद खान और लारा दत्ता लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 80 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 61.3 करोड़ थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। कमाई के हिसाब से ब्लू साल 2009 में 10वें नंबर पर थी। नंबर 9 पर रहने वाली फिल्म का नाम था कमीने। इस फिल्म की स्टार कास्ट में शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा, अमोल घटके और देव मुखर्जी लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 35 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 68 करोड़ की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। कमाई के हिसाब से कमीने साल 2009 में 9वें नंबर पर रही थी। नंबर 8 पर रहने वाली फिल्म का नाम था न्यूयॉर्क। इस फिल्म की स्टार कास्ट में जॉन इब्राहिम, कटरीना कैफ, नील नितिन मुकेश और इरफान खान लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 28 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 74.63 करोड़ की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। कमाई के हिसाब से न्यूयॉर्क साल 2009 में 8वें नंबर पर थी। नंबर 7 पर रहने वाली फिल्म का नाम था दे दनादन। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ और समीरा रेड्डी लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 60 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 78.43 करोड़ की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। कमाई के हिसाब से दे दनादन साल 2009 में 7वें नंबर पर थी। नंबर 6 पर रहने वाली फिल्म का नाम था कम वक्त इश्क। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, करीना कपूर, अफ्ताब शिवदसानी और अमृता अरोड़ा लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 65 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन 81.61 करोड़ की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। कमाई के हिसाब से कम वक्त इश्क साल 2009 में 6वें नंबर पर थी। नंबर 5 पर रहने वाली फिल्म का नाम था वांटेड। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज और विनोद खन्ना लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 52 करोड़ का था। ग्रॉस कलेक्शन 87.42 करोड़ की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। कमाई के हिसाब से वांटेड साल 2009 में 5वें नंबर पर थी। नंबर 4 पर रहने वाली फिल्म का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म की स्टार कास्ट में रणवीर कपूर, कैटरीना कैफ, उपेन पटेल और दर्शन जरीवाला लीड रोल में थे।
फिल्म का बजट 25 करोड़ का था, ग्रॉस कलेक्शन 97.13 करोड़ की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट रही थी। कमाई के हिसाब से अजब प्रेम की गजब कहानी साल 2009 में चौथे नंबर पर थी। नंबर 3 पर रहने वाली फिल्म का नाम था पार्टनर। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सलमान खान, गोविंदा, कैटरीना कैफ और लारा दत्ता लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 28 करोड़ का था, ग्रॉस कलेक्शन 99.64 करोड़ की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट रही थी। कमाई के हिसाब से पार्टनर साल 2009 में तीसरे नंबर पर थी। नंबर 2 पर रहने वाली फिल्म का नाम था लव आजकल। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, ऋषि कपूर और नीतू कपूर लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 56 करोड़ था, ग्रॉस कलेक्शन 116.22 करोड़ की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। कमाई के हिसाब से लव आजकल साल 2009 में दूसरे नंबर पर थी। नंबर 1 पर रहने वाली फिल्म का नाम था थ्री इडियट। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन और श्रेयस तलपड़े लीड रोल में थे। फिल्म का बजट 55 करोड़ का था, ग्रॉस कलेक्शन 400.61 करोड़ की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। तो दोस्तों, ये थी 30 फिल्में जो साल 2009 में कमाई के हिसाब से पहले 30 स्थान पर रही थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।